सोचा जिस होटल में होम स्टे, होटल नहीं बोल सकते, होम स्टे रहने का, तो जिस होम स्टे पर हम लोग रुके हुए, होम स्टे का थोड़ा ब्यूटीफुल व्यू दिखा देते। हर तरफ तो ग्रीनरी है, तो वो अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का। मौसम भी थोड़ा ठंडा है, रात को ठंडा ही था, पूरा ठंडा भी लग रहा था, कंबल लेके सोए थे। तो उधर का थोड़ा मतलब इधर का जब हम स्टे कर रहे, इधर का थोड़ा व्यू दिखा देते, तो इसके लिए मैं बाहर आया हुआ हूँ। तो चलिए थोड़ा व्यू दिखा देते। और आज का अभी प्लान तो 8 बजे से होगा, 8 बजे हम लोगों को बोला गया है निकलने के लिए। तो लगभग हम लोग रेडी तैयार वायर होकर 8 बजे निकलेंगे इधर से, मेन डेस्टिनेशन जिसके लिए हम लोग आए हुए है। तो चलिए थोड़ा व्यू दिखा देते आप लोगों को। पहले ये वाला है हम लोगों का, तीनों का है। और वो वाला, ये वाला हम लोगों के मतलब ग्रुप पे तीनों का है। और ये वाला में आपका दो, हम लोगों का ग्रुप का जो दो मतलब एक कपल है तो उनका है। तो ये तीनों का हम लोगों का है, बाद बाकी डिफरेंट डिफरेंट का है। तो ऐसा ऐसा छोटा छोटा होम स्टे मिलता है, और डिनर का अलग से है एक। तो बाहर बैठ के भी आप कर सकते हैं। कल तो हम लोग बाहर बैठ के ही मतलब मजा लिया पूरा, मतलब वेदर का, एंड बहुत अच्छा लगा, ठंडा मौसम था। और ये है आपका व्यू है, देखिए हर तरफ ग्रीनरी है। और ऐसे नीचे से हम लोग आए थे, वो तो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, इधर से हम लोग घूमते हुए इधर से आए थे, इधर से आके इधर जो गाड़ी है इधर ही रुके हुए थे। तो यही है व्यू। अभी भी तो ठंडा है, लेकिन हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। चलिए 8 बजे जब हम लोग निकलेंगे सभी रेडी होकर, तब तब आपसे मिलते हैं। फिलहाल के लिए तो हम लोग ब्रश वगैरह करके नहा धो के तैयार हो लेते हैं। तो चलिए भाई, हम लोग होम स्टे से निकल चुके हैं। हम लोगों का डेस्टिनेशन वाड़ीछोड़ा के लिए, जिसके लिए हम लोग आए हुए थे सब। तो हम लोगों के ग्रुप का सिर्फ हम तीनों जिप्सी में जा रहे हैं, बाकी सारा सुमो में जा रहे हैं। तो मतलब बहुत लंबा रास्ता था, टर्निंग पे स्पीड कम नहीं करते। हमें सर पता क्या है, जो बड़ी गाड़ी है ना उसको स्लो ही आना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी से अपन टकराएंगे तो उस गाड़ी से तो कुछ नहीं होगा, हम लोग मरेंगे ना। गाड़ी के स्पीड का बात करके हम लोग खत्म ही किए, तभी 2-4 मिनट के बाद हम लोगों के साथ एक्सीडेंट होते होते बचा। टर्निंग पे एक बड़ा गाड़ी मतलब इतना स्पीड से आ रहा था, और टर्निंग पे स्लो भी नहीं किया, मतलब जैसे तैसे हम लोग बचे। और होम स्टे से वाड़ीछोड़ा तक हम लोगों का लगभग 3 से 3.5 घंटा लगा। होम स्टे से पहले बागमारा आना पड़ा, उसके लिए 1.5 घंटा पकड़ कर चलिए। फिर बागमारा से इमानगढ़ जिसके लिए 16 किलोमीटर जाना पड़ा। फिर इमानगढ़ से जिप्सी, उधर से इमानगढ़ से मतलब जिप्सी के अलावा और कुछ नहीं जाता, तो जिप्सी में लगभग 1 घंटा पकड़ के चले। फिर वाड़ीछोड़ा उतरने के लिए ट्रैकिंग में 1 घंटा और, तो ऐसे करके हम लोग फाइनली वाड़ीछोड़ा पहुंचे थे। लाइफ में एक ही चीज करनी बाकी है, शादी। शादी करेगा अभी यार, इसी साल कर रहे थे मैं तो यहाँ से जाते ही कर लूंगा यार, मरना थोड़ी है, मैं यहाँ से जाते ही कर लूंगा शादी। जवानी का मजा लो, लेट हो रहे हैं यार, लेट हो रहा है जवानी का मजा। लेकिन भाई है ना कि तुम लेते लेते जवानी खत्म ना हो जाए, मजा लेते लेते जवानी का मजा लगा हो गया। हर शादी वाला लोग बोलते हैं शादी नहीं करते हैं दूसरे को, आप भी नहीं किए? अच्छा, इसलिए आप घूम पा रहे हैं इतना, सभी लंड रहे उनका तो लव मैरिज पे है, उनका लव मैरिज है, मेरा भी कुछ आपका देख लिया, मेरा देख लिया, देख लिया, देख लिया, यहाँ से सही पहुँच के मिल लो उससे।
ठीक है, बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता देख लो है। डेंजरस दादा, सुनो तो तुम भी नहीं चलाते हो? बोल उसको रहे थे। नहीं यार, ये तो छोटा गाड़ी ना। अरे छोटा गाड़ी मर गया, 38 स्पीड पे जा रहा है, लेके जा रहा है। मरेंगे तो अमी दादा। नहीं 38 स्पीड पे आप लेके जा रहा है, ये 30 है क्या? 115 में आया बैग में हम लोग। 115 आपको तो करनी नहीं है शादी। तो फाइनली हम लोग इमानगढ़ पहुंच गए हैं। ये इमानगढ़ का मतलब बाजार। तो इधर से सब लोग हम लोग जिप्सी में जाएंगे, जो लोग सुमो में आए वो भी जिप्सी में ट्रांसफर होगा। तो दो जिप्सी गए, एक ओपन जिप्सी था, एक बंद जिप्सी था। तो और मैं तो गया बाइक में, मतलब उसका तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए वेलकम टू वाड़ी छोरा। तो इधर से ट्रैकिंग स्टार्ट होगा। तो इधर से ट्रैकिंग के बाद एक घंटे के बाद हम लोग पहुंचेंगे नीचे, जो हम लोग देखने आए हैं। तो ये रहा एंट्री पॉइंट में, थोड़ा शॉप्स वगैरह छोटा छोटा लोकल शॉप्स है, तो आप लोग कुछ खा पी सकते इधर से। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा ज्यादा मत खाइए, क्योंकि ट्रैकिंग वाला रास्ता है। तो चलिए चलते हैं, ट्रैक स्टार्ट होता है। तो पहले तो ट्रैक सही था, मतलब सही मतलब अच्छा रास्ता था, फिर चलते गए मुश्किल बढ़ता गया और इतना खतरनाक रास्ता मिला। मैं शूट भी नहीं कर पाया, क्योंकि शूट करूंगा तो या तो मैं गिरूंगा नहीं तो मोबाइल गिरेगा, तो इसके लिए मैं शूट नहीं किया। तो थोड़ा थोड़ा शूट किया, वो आप देख लीजिए और देखिए कितना खतरनाक है, कितना तकलीफ तो आप लोग महसूस नहीं कर पाएंगे फिर भी। हम लोग तो असम से गए थे वाड़ी छोड़ा देखने के लिए, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इधर। तो हम लोगों को चलते चलते एक टूरिस्ट मिला, जिससे बात की मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वो लोग उत्तराखंड से थे, तो मतलब सुन के मुझे तो मतलब इतना आश्चर्य हुआ, जो वो लोग उत्तराखंड से इधर देखने के लिए आए है तो जगह कितना अच्छा होगा। और एक लेडी मिला, आप देख लीजिए लेडी कहाँ से आई है। वेयर आर यू फ्रॉम मैम? इंग्लैंड। हाउ इज योर एक्सपीरियंस? How's your experience? Are you videoing? Yes. How's your experience? Yeah, great. You go and experience. Okay, okay. Don't worry about video. Just experience. Okay, okay. हालत खराब। तो एक घंटा ट्रैकिंग के बाद ये रहा वाड़ी छोड़ा फाइनली, जिसको मतलब मैं उतारने के बाद ये देख के मुझे लगा था ठीक है, इसके लिए भी उतना मेहनत नहीं करना था। लेकिन जब बोट से आप इस डैम के अंदर जाएंगे, जो जा रहा है आप देख सकते हैं वीडियो पे, जो डैम के अंदर जा रहा है, उसके बाद का जो व्यू है वो देख के आपको लगेगा नहीं, मैं जो सफर करके आया वो ठीक था, सही था, वर्थ इट था। मतलब उसके अंदर का व्यू, मतलब मैं तो उतना शूट नहीं किया क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग जा सकते हैं तो एक बार एक्सपीरियंस जरूर कीजिए। तो हम लोग बोट से अभी जा रहे हैं, निकल पड़े हैं, तो मैं और बात नहीं करता हूँ, जस्ट एक्सपीरियंस कीजिए मेरे साथ। बारिश में चलता है या बंद हो जाता है ये वाला? बंद होता है। पानी बड़ा होगा ना? हाँ। ओ ओहो। मैं वह
आई डोंट नो कितना सही से मैं दिखा पाया, कितना अच्छे से आपको मतलब समझा पाया, जगह बहुत अच्छा है, डोंट नो। लेकिन अब ट्रस्ट मी, एक हॉलीवुड फिल्म के सेट से मतलब लग रहा था हॉलीवुड फिल्म का एक सेट है ये, सच में ऐसा जगह नहीं है, ऐसा लग रहा था, बना हुआ है ऐसा लग रहा था। लेकिन वो नेचुरल प्लेस है, मतलब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बोट से अंदर आने के बाद उतरने का जगह है, तो हम लोग सब लोग उतर गए थे। उतर के हम लोग का मस्ती मजाक, फोटो खींचना वगैरह वगैरह आधा पौने घंटा चला। उसके बाद हम लोग निकले वो जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे उसके लिए। मैं कभी नहीं गया ना अभी तक, ये यही चक्कर है, मुझे भी सफर है यही चक्कर। ऐसे ही तो रखा है पैकेजेस, पैकेजेस जो आप लोगों ने खरीद लिया ना, वो मेरा सिंगल कोटी कोटी कोट ले लो ले के लो। पत्थर कहाँ जा रहा है यार? ये अमन ने गिराया, अमन ने गिराया। मुझे भी मजा आ रही है, जो बोल रहा बोले, मुझे भी मजा आ रहा है। अरे यार ऐसे नहीं कर रहा, मस्ती चल रही है, हाथ में लगा बागमारा कैंपस, बागमारा कैंपस तेरा तेरा कपड़ू बिंगो ने क्या? हाँ बड़ा बोट है, अंदर नहीं जाएगा। सही बोल रहा है, वो देखा अपने रोजपुर में से देखा ना, तो उसमें पैदल जाना था, उसमें पानी भी जाना है। बाय बाय बागवाड़ा कैंपस। तो पलट दिया हूँ भाई, हालत खराब है। आप क्या क्या वो कर लिया सुबह 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 हो गया मेरा, उठ के दिखा दिया था होटल का रूम वगैरह सब कुछ कर लिया था। नीचे उतरते वक्त तो मतलब पैर के फिसलते हुए बच रहा था, अभी चढ़ाई के समय हाफ रहा, वो पैर भी जवाब दे रहा है। तो अभी शायद 10-20% बचा हुआ है, तो सफारी के सामने जाके आप लोगों को मिलता हूँ, या तो एकदम सफारी से उतर के आप लोगों से मिलूंगा। और भैया लोग आगे जा चुका है यार। फाइनली जैसे तैसे मतलब हफ्ते हफ्ते मैं ऊपर पहुंचा, तो एक एक करके अभी सब लोग हमारे ग्रुप का आ रहे हैं, तो सब लोग इकट्ठा होने के बाद ही हम लोग इधर से रवाना होंगे दूसरे जगह के लिए, लंच के लिए शायद। तो अभी ऊपर आने के बाद सब लोगों को एकदम जोर से लगा था भूख, तो हम लोग ढूंढ रहे थे क्या खाया जाए, बैठ के वही सोच रहे थे इधर से क्या लिया जाए। तो पानी के अलावा तो हम लोग अभी ढूंढ रहे थे क्या मिले, तो फाइनली हम लोग को एक आंटी मिला जो ऐसे मतलब बूट वगैरह मतलब बॉयल करके उसके साथ थोड़ा मसाला वसाला मिला के दे रहे थे, तो चटपटा सभी को खाने का मन कर रहा था, तो तभी तो हम लोग देख लिए इस आंटी को, तो ले लिए हम लोग। किस चीज का पत्ती है ये? ये तो धनिया पत्ती है, और उसका उधर क्या मिलाया? सिर्फ धनिया है? अच्छा, अफ्रीकन कोरिएंडर, ओके ओके।
क्या खेलना क्या चाहते हो दादा? आप लिख दो मैं हम समझ गए। कोई उससे शादी कर रहा था लेकिन उसने उसको छीन के, नहीं वो एक लड़का लड़का लड़की ना, वो तो दुम्बे तो लड़की है। अच्छा अच्छा, लड़की लड़की नॉर्मल वुमेन जैसा है। हाँ, तो वो मेन हम लोग के जिप्सी दादा उधर एक डोंगडे बोल के डोंगडी बोल के एक जगह है, तो उधर का जो कहानी है किस तरह से उधर का नाम पड़ा, तो वो कहानी सुना। लड़की को प्यार हो गया समझ तो किसी को नहीं आया, लेकिन हम लोग सब मजे ले रहे थे सफर का, मतलब इतना खतरनाक सफर था, तो हम लोग सोचा थोड़ा मजा लिया जाए। हम लोग तो जिप्सी दादा का कहानी खत्म करके हम लोग अभी आए हुए लंच करने, जिसको मतलब खाना देखते हम लोग ऐसे हाथ मुंह धोके टूट पड़ा, क्योंकि लगा था सबको भूख बज रहा था 3:30 या 4 कुछ लगभग। तो हम लोग का अभी का खाने में था चावल, दाल, सब्जी आलू और बांधा मतलब कैबेज का, और था आपका चिकन एंड पोर्क आई थिंक। तो मैं तो चिकन नहीं खाया, पोर्क भी नहीं खाया, तो हम मैं तो वेज पे गया, तो बाकी सारे लोग कुछ वेज खाए कुछ नॉन वेज खाए। खाने के बाद हम लोग अभी फाइनली निकल पड़े, उधर से 10 मीटर या 20 मीटर की दूरी पे एक फिश सेंचुरी था, तो वो फिश सेंचुरी देखने के लिए हम लोग चल रहे थे। तो फिश सेंचुरी बहुत अच्छा था उधर, मतलब बोल रहे थे अभी फिश नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि सब लोग नहा धो रहे, तो फिश लोग तभी तो नहीं रहता है सामने। तो दूसरा फिश सेंचुरी है एक जो हम लोग कल विजिट करेंगे, जो पैकेज में था, तो ये हम लोग को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया, तो हम लोग चलो देख लेते हैं। मछली अभी नहीं है, सुबह सुबह हो जाएंगी मछली, अभी तो बाकी ना है। मिर्ची कैसे तकते हैं? मछली हमें यहाँ से लेकर हमारे पास जाएगा, इनको गाड़ी तो भी पागल है। फाइनली सब कुछ रैप अप करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे मतलब होम स्टे में जाने के लिए। तो होम स्टे जाने के लिए मैं ओपन जिप से चूज किया था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना था ओपन जिप से। एक्चुअली मैं और नितिन भाई ने ओपन जिप से बोलो बंद जिप से बोलो खतरनाक रास्ते थे, उन्हीं के ऊपर चढ़ के आना इतना खतरनाक रास्ते में। फिर मैंने तो वाड़ी चला जाता था, इतना खतरनाक रास्ता था, उसके ऊपर मैंने बाइक राइडिंग का भी एक्सपीरियंस किया, तो सारा एडवेंचर कर लिए थे, मैं खुश हो गया था। तो हम लोग अभी होम स्टे पे जा रहे हैं। तो एक्चुअली बात था कैंपेन के लिए आज, लेकिन जगह जो दिया था वो पसंद नहीं आया किसी को भी ना, तो इसलिए हम लोग कैंसिल किया, तो बेटर सोचा होम स्टे पे रुकना। तो अभी मैंने जिप्स में तो खड़े होके मैं 1.5 घंटे तक सफर किया, तो ये रहा मैं और ये रहा हम लोग का टूरिस्ट मतलब टूरिस्ट ट्रेवल एजेंट जो हम लोग आए थे, और वो ग्रीन पैन में रहा नितिन भाई, बगल में मेरे बैठे हैं दादा और आगे बैठे हैं दीदी, तो हम लोग तो सभी मजे किए। तो आज के लिए तो डे 2 का इतना ही फर्क था, और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आगे डे 3 में जो कि फिश सेंचुरी। तो चलिए बाय, गुड नाइट।